दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। आईआईटीडी रिव्यू एंड रिकमेंडेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस फॉर जीएनसीटीडी नाम की रिपोर्ट में तीन स्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियों को रहने पर मरीजों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और ऑक्सीजन की जरूरत का अनुमान किया गया है। दूसरी स्थिति नए मामलों में 30% बढ़ने के बाद की जरूरतों पर आधारित है। तीसरी स्थिति संक्रमितों के आंकड़ों में 60% की बढ़ोतरी होने पर है। इसी स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक मामले आने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में फाइनल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संकट से उबरने के लिए रोजाना 944 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।